नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें बताई जाती है। इस वीडियो में आपको देश विदेश की सभी बड़ी खबरें बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। सिंधिया के साथ ही कांग्रेस के 19 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी मान लिया कि कमलनाथ सरकार नहीं बचेगी। कांग्रेस के इस्तीफे से पहले सिंधिया ने 24 घंटे के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से दो बार मुलाकात की है। सिंधिया सोमवार के बाद मंगलवार की सुबह एक बार फिर से अमित शाह और पीएम मोदी से मिले। तीनों नेताओं के बीच पौने घंटे तक बातचीत हुई। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। केरल में 6 नए मामले जबकि कर्नाटक में 4 मामलों की पुष्टि की गई है। भारत में 50 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। 90 से अधिक देशों में कोरोना वायरस से 110,041 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 4,000 लोगों की मौत हो गई है। ईरान में लगभग 2,000 भारतीय रह रही हैं। ईरान में 7,000 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और 237 लोगों की मौत हो गई है। अगली ताजा बड़ी खबर है आज ही बीजेपी में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोदी सरकार में बनेंगे मंत्री। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बीजेपी के पाले में जाते ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सम्मान मिल जाएगा जिसके लिए कांग्रेस में संघर्ष कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी सिंधिया को राज्यसभा में भेज सकती है। इसके अलावा उन्हें मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 70 के बाद मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और इस विस्तार में सिंधिया को शामिल किया जाएगा। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। दिल्ली NCR में तेज हवा के साथ गर्जन वाले बादल भी बनेंगे। देर रात कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को बारिश भी होगी और बारिश के साथ ही तेज हवा भी चलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाने वाली है मुख्यमंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में मिलोंगे। खबर है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल या उप लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर भी बातचीत हो रही है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही दिल्ली हिंसा को लेकर। 95 लोगों को मिला पूरा मुआवजा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों को मुआवजे देने के लिए 2 दिन से चल रहा विशेष जांच अभियान रविवार को पूरा हो गया है। जांच के बाद 282 लोगों को अंतरिम राहत है और 95 लोगों को पूरा मुआवजा दिया जा चुका है। इसमें 35 ऐसे लोग शामिल हैं जो इस दंगे में अपनी जान गंवा चुके हैं।